सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। मैं चैतन्य रावल फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगामी चतुर्दश दिनांक को मकर संक्रांति का शुभ पर्व आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में यह वीडियो बना रहा हूं। शास्त्रों में कहा गया है, उत्सव प्रियाः खलु मानवाः, मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। मकर संक्रांति का यह शुभ पर्व भारत का एक प्रमुख पर्व है और पूरे भारत में, साथ साथ नेपाल में भी किसी न किसी भी रूप से इस पर्व को मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब इस उत्सव को मनाया जाता है। वैसे तो एक वर्ष के अंतर्गत 12 संक्रांतियां आती है, परंतु मुख्य रूप से शास्त्रकारों ने इस संक्रांति का बड़ा ही महत्व दर्शाया है। इसी दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इस दिन को सब मकर संक्रांति के शुभ नाम से जानते हैं। भारतवर्ष में इस त्योहार को विविध नामकरण से जाना जाता है, जैसे उत्तर भारत के अंदर इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, गुर्जरादि अर्थात गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में इसे उत्तरायण कहा जाता है, तमिलनाडु के अंदर इसे पोंगल ऐसे नाम से जानते हैं और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में इसे विविध विविध प्रकार के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर दान धर्म का बहुत ही निरूपण शास्त्र में बताया है। शास्त्रों में कहा गया है कि शतेषु जायतेषु रह सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वानव। 100 में से कोई एक विरला वीर पुरुष उत्पन्न होता है। सहस्रेषु च पंडितः, हजारों में से कोई एक पंडित बनता है। वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वानव, 10,000 में से कोई एक श्रेष्ठ वक्ता बन सकता है, परंतु दानवीर होना वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अतः मनुष्य को दानवीर अवश्य बनना चाहिए। मकर संक्रांति के इस शुभ दिन पर दान करने से उस दान का फल 2 गुना हो जाता है और वो दान अक्षय हो जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। स्मृति ग्रंथों के अनुसार इस दिन गौ माता को गौग्रास अर्थात घास खिलाने का और ब्राह्मण को विविध प्रकार के दान देने का महत्व दर्शाया गया है। अतः अपने पुण्य फल की प्राप्ति हेतु इस दिन दान अवश्य करें। जिस प्रकार दान का महिमा बताया गया है, ठीक उसी प्रकार जप और तप का भी महत्व दर्शाया गया है।
इस मकर संक्रांति के शुभ दिन पर अपने इष्ट देवी देवताओं की उपासना और उनके जप तप का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन किए हुए जप तप भी अक्षय और अनंत फल प्रदायक हो जाते हैं। विशेष रूप से सूर्य की उपासना का यह पर्व है। मनुष्य अपने सर्वत्र विजय कामना हेतु आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान श्री रामचंद्र ने भी रावण के ऊपर विजय प्राप्ति हेतु आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ किया था। उसके फल स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र ने दुष्टात्मा रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया था। और विशेष रूप से इस दिन सूर्य की जो चाक्षुषी विद्या है उसका भी पाठ कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य आत्मविश्वास का और हड्डियों का कारक ग्रह है, अतः इसकी उपासना इस विशेष दिन पर करने से मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास और शरीर में निरोगीता के साथ साथ हड्डियों के संबंधित रोगों का नाश हो जाता है। महाभारत के अनुसार इस मकर संक्रांति का महात्म्य देखने जाए तो हम सब जानते ही हैं, अपने पिता से आशीर्वाद के रूप से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे भीष्म पितामह ने भी अपने मृत्यु के लिए इस दिन का चयन किया था। अतः इस दिन मृत्यु होने से मनुष्य को मोक्ष गति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में उचित रूप से कहा गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार उत्तरायण का महत्व कुछ इस प्रकार है। संक्रांति के दिन सूर्य शनि की मकर राशि में प्रवेश करता है। अब प्रश्न यह होता है कि सूर्य और शनि के बीच तो शत्रुता है, तो कैसे मकर राशि को शुभ माना जाए? उसके समाधान के हेतु शास्त्र में उसका उपाय इस तरह दर्शाया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य के दशम भाव से प्राकृतिक मित्रता और शनि की इस धार्मिकता पर, क्योंकि शनि एक तरफ से न्याय का भी कारक है, इस तरह सद्गुण से इसके प्रभाव के कारण सूर्य को मकर राशि में शुभ माना जाता है। इस प्रकार शास्त्रों में बताया हुआ मकर संक्रांति का जो विवरण है वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। जनवरी 2022 की इस उत्तरायण जो मकर संक्रांति की जो सूर्य की गति है वो दोपहर को इस बार मध्यान्ह के समय पर 2:29 पर हो जाएगी, अतः सूर्य का परिभ्रमण 2:29 पर होगा। अतः इतने बजे सूर्य का ध्यान करके सूर्य की उपासना करने का विशेष महत्व है। इसी तरह आज का ये जो हमारा मुख्य विषय था वो यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को उत्तरायण की, मकर संक्रांति की, पोंगल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सदाशिव आपका कल्याण करें, आपके संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करें, इसी उनके चरण कमल में मैं प्रार्थना करता हूँ।
आपको धर्म के विषय पर, शास्त्र के विषय पर कोई भी शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका शास्त्र संबंध जो उत्तर है वो देने का प्रयास करेंगे। प्रणाम।